आइए अब आगे बढ़ता हूँ और इस फहरिस्त में एक और शायर या शायरा को अपने साथ लेता हूँ। हसीन रात है क्या जगमगा रही है गजल, गजल के चाहने वालों बुला रही है गजल। मुझे ये कहना इसलिए पड़ा कि यहाँ हमने जज्बाती बातचीत की, मजहबी गुफ्तगु की, समाजी बातचीत की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गजल की जबान में बात की जाए। गजल की तारीफ ये है कि यहाँ महबूब से बात की जाती है या महबूब की बात की जाती है। तो आइए मैं हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर और मारूफ शायरा को आवाज दूं और गुजारिश करूं मोहतरमा सबा बलरामपुरी से कि वो अपनी गजल के साथ ऐसा माहौल बना दे कि गजल के चाहने वालों को उनकी खुराक मिल जाए, वो जो गिजा चाहते हैं, वो जो रूहानी गिजा चाहते हैं वो मिल जाए। गजल के चाहने वालों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जोरदार तालियों से सबा बलरामपुरी को इजाजत दीजिए ताकि वो अपना कलाम सुनाए और मुशायरे का माहौल पूरी तरह से गजल का माहौल बन जाए। मैं सबा बलरामपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ। मौजूद हजरात अस्सलाम वालेकुम, इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। बगैर किसी तमहीद के सदर मोहतरम की इजाजत चाहती हूँ और एक गजल के कुछ शेर उससे कबल चार मिसरे हाजिर करती हूँ। आप सभी की शिरकत चाहती हूँ, जितने हजरात अब तक खामोश थे मैं सभी की दुआएं, सभी की शिरकत चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दे कि मैं अपना कलाम पेश करूं। आप सब भी शरीक हो सकते हैं। मुशायरे का मतलब आपका भी रद्द अमल, हमारी भी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी। मैं चाहती हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दे कि मैं अपना कलाम पेश करूं। जोरदार तालियां, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छी तालियां आपने बजाई। खैर, हाजिर करती हूँ चार मिसरे, मुलाजा कीजिएगा। इरशाद। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया। क्या कहना, बस यहाँ से जुड़ जाइए, गजल का माहौल बनाइए भाई। हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जी। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया। निर्धन से जिंदगी को भी धनवान कर दिया। हम पर तुम्हारे प्यार ने एहसान कर दिया। निर्धन से जिंदगी को भी धनवान कर दिया। पूछा सहेलियों रे के दिल में बसा है कौन। पूछा सहेलियों रे के दिल में बसा है कौन। हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। क्या कहना, क्या कहना। शिरकत करें, आप सबसे भी दुआएं चाहती हूं। हमने तुम्हारे नाम का वाह 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 कर दिया। और चार मिसरे हाजिर करती हूं। इरशाद, इरशाद कीजिएगा। कि जब से यकीन हुआ है कि तू साथ है मेरे। जब से यकीन हुआ है कि तू साथ है मेरे। आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि मेरा घर इटवा हल्लौर, मैं आपके बीच की बेटी बहन, तो मैं हाजिर करती हूँ। आपकी जिम्मेदारी बहुत है, कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। आप भी निभाते तो मुझे खुशी होगी, मैं हाजिर करती हूँ। जी जी, इरशाद। जब से यकीन हुआ है कि तू साथ है मेरे। क्या कहना। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह वाह वाह। जिस दिन से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह 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 वाह। आईना देखने की जरूरत। क्या कहना सबा। वाह 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 वाह। आईना देखने की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत शरीक हुए हैं आप, मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक गजल के सीधे सीधे मतलब और कुछ शेर आप तक पहुँचाती हूँ, समझ लीजिएगा। जिंदगी में अब मेरी, जिंदगी में अब मेरी धूप है न साया है, जिंदगी में अब मेरी, जिंदगी में अब मेरी धूप है न साया है, धूप जब से दूर जाने का फैसला सुना है। वाह 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 वाह, क्या कहना सबा, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर करती हूँ। इरशाद, जब से दूर जाने का फैसला सुना, शेर हाजिर करती हूँ इरशाद बतौर खास मुलाहिज़ा कीजिएगा। अता करें, अता करें। खुश्क हो गई आंखें, जल्द लौट आना तू, खुश्क हो गई आंखें, जल्द लौट आना तू, तेरी याद में मुझको इस कदर रुलाया है, मुझको। क्या कहना, मेरे क्या कुछ कहना। नौजवान भाई भी यहाँ तशरीफ फरमा है, खास तौर से उनको शरीक करके ये शेर हाजिर करती हूँ। जी जी, समाप्त कीजिएगा। जब से दूर जाने, क्या कहना, वाह वाह, मुझको ये नहीं मालूम सर ने क्या पढ़ाया है, मुझको ये नहीं। वाह वाह वाह। और हाजरीन महफिल, इस गजल का ये आखिरी शेर मुकर्रर मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कलाम आप तक पहुँचाऊँ। और एक शेर जिसकी आज हम सभी को जरूरत है, मैं खास तौर से हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। अता करें। जिंदगी में अब मेरी, सारे धर्म कहते हैं प्यार ही इबादत है। क्या सच्ची बात है, सच्ची बात है, वाह वाह वाह। प्यार ही इबादत है, फिर ये मुल्क मेरा क्यों खून में नहाया है। वाह 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 वाह, के रुखसत हुई, लेकिन मेरा जी चाहता था कि मैं उनसे ये गुजारिश करता कि एक गीत का एक मुखड़ा और दो तीन बंद और जरूर सुनाती, लेकिन मैं इसलिए नहीं उनसे कह सका कि आप इतने खामोश हो गए थे कि मैं सभा से कुछ कह नहीं सका। आप जरा सा अपनी जिंदा दिली का सबूत दीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट में सभा बलरामपुरी को इजाजत दें कि वो एक गीत का एक मुखड़ा एक बंद कम से कम जरूर सुनाए। बहुत अच्छा। और ये एक फरमाइश ये भी है, तुम्हारे नाम की मेहंदी, ये भी जरा सा एक या दो शेर जो भी है वो पढ़ दीजिए। देखिए वक्त कम है और फरमाइशें ज़्यादा है, मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कलाम सुनाऊँ आपको जो मेरे मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया है। मैं हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, क्या कहना, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठी हूँ, तुम्हारे नाम की मेहंदी
चले भी ओ मैं खुद को सजाए बैठूं, चले भी ओ मैं खुद को सजाए बैठी हूँ, वाह बाबा तुम्हारा प्यार मुझे भीख में ही मिल जाए, तुम्हारा प्यार मुझे भीख में ही मिल जाए, मैं अपने हाथों को कासा बनाए बैठी वाह बाबा वाह बाबा वाह मैं अपने वाह वाह बाबा क्या कहना वाह बहुत शुक्रिया। मैं अपने हाथों को कासा बनाए बैठी हूँ, खबर मिली है कि तू आज आने वाला है, खबर मिली है कि तू आज आने वाला है, खबर तेरी पसंद का खाना बनाए बैठी वाह बाबा वाह बाबा तेरी पसंद का खाना बनाए बैठी हूँ। सबा बलरामपुरी आपको बहुत मुबारकबाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शेर हिंदुस्तान में ही कहे जा सकते हैं और यहीं पढ़े जा सकते हैं। यूरोप और अमेरिका में जहाँ डेढ़ डेढ़ महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती हो, वहाँ मोहब्बत कैसे की जा सकती है कोई उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जोरदार तालियों से सभा बलरामपुरी का इस्तकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ। और सीधे सीधे एक गीत के दो तीन बंद, उसके बाद आपसे इजाजत। बहुत शुक्रिया भाई, उठ के बैठो भाई साहब, इनकी रीढ़ की हड्डी सीख करो जी। मैं हाजिर करती हूँ मुखड़ा, आपका हुक्म है, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, अता कीजिए। मैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। तेरी धड़कन हो कुछ लोग नया कुछ लोग पुराना कुछ लोग और, यही सुना दीजिए। मैं देखिए मुझे अपने मन से पढ़ने दीजिए, मैं माजरत के साथ ये हाजिर कर रही हूँ, समाप्त कीजिएगा। तेरी धड़कन हो तेरी धड़कन हो तेरे प्यार का अंदाज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं, क्या कहना तेरी हम राज़ मैं, तेरी धड़कन हो। ये पचपड़वा के मोहल्ले में रईस भाई दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है, किधर बैठे हैं? तो जरा सा आप लोग जिंदा दिली का साथ दीजिए, ये पता नहीं कुर्सी वाले क्यों खामोश हो जाते हैं। हाजिर करती हूँ जी। तेरी धड़कन हो तेरे प्यार का अंदाज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं, तू मेरे नाम कोई शाम सुहानी लिख दे, क्या कहना, तू मेरे जिंदगानी के नए मोड़ का आगाज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं, तेरी हम राज़ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बंद भी हाजिर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश मेरा जज्बा मेरा अरमान है तू, क्या कहना वाह। मेरी ख्वाहिश मेरा जज्बा मेरा अरमान, मैं अधूरी हूँ तेरे बिन मेरी पहचान है तू, तू मेरा शाह जहाँ है तेरी मुमताज़ मैं, तेरी हमरा। वाह 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 साथियों, बहुत शुक्रिया।